हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर सी देवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी, CLC सीकर। आप देख रहे हो कि हम CLC के द्वारा नीट के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपने फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे नीट 2013 टू 2019 के ऑर्गेनिक क्वेश्चन की। यहाँ जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन है वो हम यहाँ दो पार्टों में डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो पार्ट है उसमें हम 11th क्लास का पार्ट डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम 12th क्लास का पार्ट डिस्कस करेंगे। अब जब हम यहाँ बात करेंगे 11th क्लास के पार्ट की, तो यू नो कि 11th क्लास के पार्ट ऑर्गेनिक के कौन से हैं। नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और हाइड्रोकार्बन है। तो इन चारों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 2013 से 2019 के बीच नीट में जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड थोड़ी थोड़ी का कंसेप्ट भी हम साथ में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो 2013 में आया है, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको यहाँ सिंपल सा पूछा है कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो स्टूडेंट, हम रेडिकल की स्ट्रक्चर देखते हैं, हमें यहां से यह पता लग रहा है कि आइसोब्यूटाइल जो है इसकी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन पे आपके पास दो तरह की स्ट्रक्चर्स बनती है हाइड्रोकार्बन में। एक स्ट्रक्चर बनती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन, और एक स्ट्रक्चर अपने पास बनती है ये वाली, जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये वाली दूसरी स्ट्रक्चर बनती है आपके पास, जिसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। अब इनसे जो रेडिकल बनते हैं, क्योंकि वर्ड आगे लगा हुआ है आयल, और आयल तभी लगता है जब आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसका मोनो रेडिकल आपने बनाया है। तो अगर एन ब्यूटेन से रेडिकल बनाते हैं, इस कार्बन से अगर हम एच हाइड्रोजन हटाते हैं तो जो रेडिकल बनता है उसका नाम होता है एन ब्यूटाइल। अगर आपने इस कार्बन से हाइड्रोजन हटाया है तो जो रेडिकल बनता है उसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। यदि आप आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन रिमूव करोगे, तो इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन रिमूव करते हो यहां से, तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो ये बनती है CH3। आई होप कि कार्बन की वैलेंसी सभी को कंप्लीट करना आती होगी। ये CH3, ये CH और ये CH3 और ये CH2। यहां से हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो रेडिकल बन रहा है, इसी रेडिकल का नाम है आइसोब्यूटाइल। इस रेडिकल का नाम है आइसोब्यूटाइल। अगर आप हाइड्रोजन ये वाली यहां से हाइड्रोजन रिमूव करोगे, तब जो नाम आएगा उसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आइसोब्यूटाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर क्या होगी, तो आप इसको देख लें कि ये वाला जो ग्रुप है वो आइसोब्यूटाइल है। तो ऐसा ग्रुप अगर हम चेक करें, 2 CH3, 1 CH और CH2, तो आंसर जो होगा वो होगा 3rd। तो यहां से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि रेडिकल्स, आपको मोनो रेडिकल सभी पता होने चाहिए कि 3 कार्बन से 2 रेडिकल बनते हैं, 4 कार्बन से 4 रेडिकल बनते हैं, 5 कार्बन से डिफरेंट टाइप के रेडिकल बनते हैं। एन पेंटाइल है, सेकेंडरी पेंटाइल है, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल है। ये सब रेडिकल्स की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है IPSC से रिलेटेड। आपको कंपाउंड दिए हुए हैं और उनका करेक्ट नेमिंग आपसे पूछा है। क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपेक नेम इज 3-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-hex-3-in-5-ion-oic acid। तो ऐसे क्वेश्चन आपको करने, तो थोड़ा सा शार्प तरीके से कम समय में आप क्वेश्चन अटेंड करते हो, थोड़ा सा आप यहां सोचें। बोला है कि 3-ethyl-oic acid जो सफिक्स है वो किस ग्रुप का है, COH का। तो अगर मैं देख पा रहा हूं
तो इसमें भी सी ओ एच है, 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 तो इसका मतलब यहां से तो हमें पता नहीं लग रहा। फिर मैं अगर देखूं कि थ्री नंबर पे क्या होना चाहिए, इथाइल ग्रुप होना चाहिए, और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो चेन का जो फॉर्मेशन होगा वो कार्बन यहां से स्टार्ट होगा। तो चेन का फॉर्मेशन इस कार्बन से स्टार्ट होगा, इस कार्बन से आपको देखना है कि इस कार्बन से तीन नंबर पे कौन सा ग्रुप होना चाहिए, इथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो आप देखें यहां से अगर मैं इसको वन दू टू थ्री, थ्री पे यहां इथाइल नहीं है, वन टू थ्री यहां भी थ्री पे इथाइल नहीं है, वन टू थ्री यहां भी थ्री पे इथाइल नहीं है, बट अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं तो वन टू और थ्री यहां तीन नंबर पे ये ग्रुप कौन सा है, इथाइल। अब आप आगे कंटिन्यू चेक कर लें, दो नंबर पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होना चाहिए, ये वाला जो दो नंबर पे जो है थ्री इथाइल टू हाइड्रोक्सी ये ग्रुप होना चाहिए, तो यहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहां पे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फिर बोला है फोर मिथाइल, तो यहां से ये फोर नंबर हो गया, तो फोर पे मिथाइल है फाइव और ये सिक्स, तो आप देख पा रहे हैं कि थ्री इथाइल टू हाइड्रोक्सी फोर मिथाइल हेक्स थ्री इन फाइव आयन ओइक एसिड, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो होगा फोर्थ आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है उसके बारे में अगर हम देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि वापस से आईपीएससी नेमिंग का ही क्वेश्चन आया है। तो यहां पे ये जो एग्जांपल है ये आप 12th क्लास की एनसीईआरटी में जाओगे तो जहां कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर है उसमें ये एग्जांपल डिट्टो दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये मेंशन कर दूं कि ये एग्जांपल कहां से आया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है और इसका करेक्ट आईपीएससी नाम पूछा है। तो यहां से इस कंपाउंड का आईपीएससी नाम अलग अलग तरीके से हो सकता है, दो वे हैं इसके कंपाउंड के नेमिंग करने के। तो आपको जो कंपाउंड दिया है वो दिया है CH2 CHO CH CHO और ये CH2 CHO। आईपीएससी का एक रूल आया था, आपने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो एक रूल पढ़ा होगा, आईपीएससी रूल 1993, तो ये रूल इस पे एप्लीकेबल है 1993। ये रूल क्या बोलता है, ये रूल ये बोलता है कि इफ थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से अधिक आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोकार्बन चेन, तीन या तीन से अधिक आइडेंटिटी फंक्शनल ग्रुप यदि डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन चेन से बॉन्डेड है। अब कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है, वो फंक्शनल ग्रुप कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं COH हो सकता है, CHO हो सकता है, CN हो सकता है, COET एस्ट वाला ग्रुप हो सकता है। ये अगर डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इस रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग होगी और ये रूल बोलता है कि इस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं होता है। वापस से मैं रूल को बोल रहा हूं, आप ढंग से सुने कि इस रूल के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। रूल क्या कहता है कि थ्री और मोर देन थ्री, तीन या तीन से अधिक आइडेंटिकल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है यहां पे, लाइक COH कार्बोक्सिलिक एसिड है, CHO है, CN है, COET है, एमाइड है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू हाइड्रोकार्बन चेन। तो देखो ये हाइड्रोकार्बन की चेन हुई और इस हाइड्रोकार्बन पे चेन पे ये डायरेक्टली क्या है, बॉन्डेड है, तीनों ही क्या है ये डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये भी डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन चेन से, ये भी डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन चेन से और ये भी डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन चेन से। इस कंडीशन में फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं किया जाता है। तो यहां मैं इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं करूंगा और जो चेन बनेगी वो ये वाली बनेगी। अब नंबरिंग दोनों ही वैसे सेम आ रही है तो नंबरिंग कर दो वन टू और थ्री। और इस कंडीशन में हम जब नेमिंग करते हैं, जब प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं किया, हम एल्डिहाइडिक ग्रुप को जब प्रिंसिपल चेन में कंसिडर करते हैं तब तो इसका आईपीएससी नाम होता है एल्केनेल, एल सफिक्स लगता है, बट जब मैंने इसको प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं किया है तब इसका जनरल जो नेम होता है आईपीएससी वो होता है एल्केन कार्ब एल्डिहाइड, ये वाला नाम होता है। कब, जब ये रूल मैंने लगाया है,
जब मैंने इसको कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में कंसिडर नहीं किया है। तो देखें एल्केन एल्क कितने कार्बन का एल्क लगा, 3 कार्बन का, तो हो गया प्रोप। एन का मतलब सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा प्रोपेन। फिर कार्ब एल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड यहां किसको बोला जा रहा है, सी एच ओ ग्रुप को यहां पे कार्ब एल्डिहाइड बोला जा रहा है। बट कार्ब एल्डिहाइड की हमें यहां पोजीशन दिखानी पड़ेगी कि वो किस किस नंबर पे लगा हुआ है। तो यहां पे देखो एक कार्ब एल्डिहाइड 1 पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, तो 1 2 3। और फिर मैं बोल दूंगा 3 है तो बोल दूंगा ट्राई, फिर बोल दूंगा कार्ब एल्डिहाइड। ओके, तो ये इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम होगा। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड, फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई एल, मैंने बोला एल नहीं आएगा। एल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एल तभी आता है जब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल चेन में कंसिडर किया जाता है। प्रोपेन ट्राई कार्ब ट्राई एल्डिहाइड मतलब ही नहीं है, ना तो पोजिशन है ना कार्ब एल्डिहाइड लिखा। 2 एल्डिहाइड पेंटेनल नहीं, ये भी नहीं आएगा कि यहां पे अगर कंसिडर करता 1 2 3 4 5 तो ये प्रीफिक्स बनता, और प्रीफिक्स बनता तो मैं यहां इसको 2 एल्डिहाइड नहीं बोलता, 2 फॉर्मिल बोलता, वो पॉसिबिलिटी थी बट वो ओल्ड मेथड है। तो जो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। साथ में मैंने ऐसे कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं वो रूल भी आपको बताया है, ठीक है। तो आंसर इसका जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसिटो एसिटेट इज बिलो हिज, ये आया हुआ है AIPMT 2015 में क्वेश्चन, कि आपको इनोलिक फॉर्म दी हुई है। ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम है, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल एसिटो एसिटेट। ये वाला जो कंपाउंड है ये जो है आपको बोला है इथाइल एसिटो एसिटेट, ये वाला कंपाउंड है। और इस कंपाउंड की ये वाली कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म, सभी को आना चाहिए टोटोमेरिज्म, क्योंकि यहां से मोस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। जो टोटोमेरिज्म है उस चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबिलिटी नीट की एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करने आने चाहिए। इसका इनोल फॉर्म बनाया है, तो इनोल फॉर्म कैसे बनाया है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये टूटा है और ये इधर से इधर, तो यहां हो गया OH और यहां आ गया डबल बॉन्ड और यहां एक हाइड्रोजन बच गया। अब ये पूछा है कि हाउ मेनी, आपको पूछा है कि जो इनोल फॉर्म है उसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई बॉन्ड है। तो एक बात को सुनिएगा ध्यान से, जब भी किसी भी कीटो फॉर्म का आप इनोल फॉर्म बनाओगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर अनअफेक्टेड, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने पाई बॉन्ड पहले हैं उतने ही पाई बॉन्ड रहेंगे, जितने पहले सिग्मा बॉन्ड है उतने ही सिग्मा बॉन्ड रहेंगे, जितने पहले लोन पेयर है बाद में भी उतने ही लोन पेयर रहेंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा। तो यहां आप किसी भी स्ट्रक्चर में आप गिन सकते हो, उन्होंने इनोल फॉर्म बोला, इसमें गिन लो या इसमें गिन लो, मैं बोल रहा हूं दोनों में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक से आंसर गलत हो जाता है। एक ज्यादा गिना तो भी गलत हो जाएगा, कम गिना तो भी गलत हो जाएगा। तो यहां देखें सिग्मा बॉन्ड गिने, तो आप देखें सिग्मा बॉन्ड एक, मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये 2, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है 3, एक एक कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो गया ये 4, यहां पर ये 5, ये 6, ये 7, 7 तो यही हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में है वो है 8, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है ये 9, और इस कार्बन और हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो इसमें कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3 3 हो गए। अब आपके पास यहां पे क्या दिया हुआ है, C2H5 का मतलब क्या है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो यहां देखो ये वाला तो मैंने ऑलरेडी गिन रखा है, एक ही हो गया 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे 6 सिग्मा बॉन्ड C2H5 ग्रुप में लगे हुए हैं। तो वापस से कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 ये आ गए, 4 5, एक OH के बीच वाला 6 7 8 9 10 11 12, और 12 के बाद आपके पास 6 यहां से आ गए,
18 सिग्मा बॉन्ड आए हैं और 18 सिग्मा बॉन्ड का ऑप्शन ए की ही है, तो 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, इसमें देखें एक पाई बॉन्ड यहां पे है, एक पाई बॉन्ड यहां है, तो 2 पाई बॉन्ड। अब मैंने इसमें कैलकुलेट किया, आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो भी आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। क्यों सेम आने वाला है, देखिए इधर भाई, अगर कीटो फॉर्म की बात करें तो मान लो कार्बन और ये हाइड्रोजन है और ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ओके, और यहां कोई भी बॉन्ड लगा हुआ है, तो अभी अगर मैं इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनूं तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। अब आपने बना दिया इसका इनोल, तो ये यहां से यहां आया और ये यहां से आया, और जब इसका इनोल फॉर्म बना तो क्या हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन और ये ओ एच और ये बॉन्ड, तो अब सिग्मा बॉन्ड गिनो 1 2 3 4 5। तो अब अगर हमें गिनूं तो यहां पे अगर मैं गिनूं तो ये 1, तो ये हो गया 2, इसमें सिग्मा बॉन्ड गिने 1 2 3 4 5, सॉरी इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 ही है, ये 5 सिग्मा बॉन्ड, तो यहां भी देखो 5 ही रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही सिग्मा बॉन्ड है, वहां भी 1 पाई बॉन्ड था, यहां भी 1 पाई बॉन्ड है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देता हूं कि किसी भी कीटो से अगर इनोल बनाओगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड रिमेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो आंसर जो इस क्वेश्चन का जाएगा वो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं, वापस से देखें, ये आया है आपके नीट 2017 में, द आईपीएससी नाम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का आईपीएससी नाम आपसे पूछा है। तो ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप यहां देख पा रहे हो कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो है एल्डिहाइड और एक ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटो। आपके पास दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटो। अब आप अगर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको मानोगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप किसको मानोगे, तो आपने जब नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो आपने प्रियोरिटी ऑर्डर की एक टेबल पढ़ी है, उस टेबल में आपने सीक्वेंस से पढ़ा होगा, सबसे ऊपर COH ग्रुप आता है, उस टेबल की सीक्वेंस को चेक करोगे तो आप देखोगे कि एल्डिहाइड उस टेबल में ऊपर आता है और कीटोन नीचे आता है। और हम रूल ये पढ़ते हैं कि जो टेबल में ऊपर की तरफ आता है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और जो नीचे की तरफ आता है वो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, जो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है उसका प्रीफिक्स यूज में लेते हैं और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसका हम सफिक्स यूज में लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि एल्डिहाइड यहां पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, पीएफजी का मतलब है एल्डिहाइड यहां प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है और जो कीटोन है वो यहां पे है, वो है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो इसका तो मैं यूज में क्या लेने वाला हूं, प्रीफिक्स, और इसका मैं यूज में लेने वाला हूं सफिक्स। तो प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को प्रिंसिपल चेन भी कंसिडर करना होता है, तो यहां जो चेन बनेगी वो इस कार्बन को कंसिडर करते हुए ये वाली चेन यहां पे बन जाएगी, और जैसे ही ये चेन बनेगी मैं प्रिंसिपल चेन से नंबरिंग करना स्टार्ट करूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से, ये 1 2 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। अब सबसे पहले हम लिखते हैं किसका नाम, सब्स्टिट्यूएंट का नाम, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम विथ देयर पोजीशन, उसकी कितने नंबर पे पोजीशन है, पोजीशन, और साथ में आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करना होता है। तो दो नंबर पे आपके पास क्या है, मिथाइल, और तीन नंबर पे आपके पास है कीटो ग्रुप, तीन नंबर पे कीटो ग्रुप है और दो नंबर पे है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखूं तो पहले कीटो लिखा जाएगा, तो 3 कीटो, ऑप्शन चेक करें तो 3 कीटो यहां है और यहां भी है, तो इन दोनों ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये नहीं आएंगे, 3 कीटो। फिर उसके बाद 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल इसमें भी है, 2 मिथाइल इसमें भी है, यहां तक चल रहा है। फिर कितने कार्बन की चेन बनी है बेटा, 6 की, 6 का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, हेग्ज, तो हेग्ज लग जाएगा, ठीक है। फिर हेग्ज लगने के बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 इन, तो इसमें दिया है 5 नंबर, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, ये वाला भी नहीं आएगा। अब आपके पास ऑप्शन बचा केवल 4 3 कीटो 2 मिथाइल हेग्ज 4 इन L, आंसर जो जाएगा वो जाएगा 4th। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो आप देख रहे हो नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप के, ये भी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिवन आपको दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ओके, एक फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड, फर्स्ट एंड सेकंड आर, और पूछा है
कि दीज आर आइडेंटिकल, क्या ये आइडेंटिकल है, क्या ये पेयर ऑफ कन्फर्मर्स है, क्या पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, क्या पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर है, ये आपको से पूछा है। तो आप ये देखें कि क्या सिक्वेंस ऑफ एटम चेंज हुई है, वो कैसे चेक करेंगे। देखो इस कार्बन पे एक CH3, एक BR और एक H बॉन्डेड है, इस कार्बन पे भी CH3, BR और H बॉन्डेड है, पीछे वाले कार्बन पे CH3, BR, H है, यहाँ भी CH3, BR, H है, इसका मतलब सीक्वेंस ऑफ एटम चेंज नहीं हुई। और जब तक सीक्वेंस ऑफ एटम चेंज नहीं होगी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, इसका मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर तो नहीं है। अब हम बात करें कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना ही है कि इस कार्बन के अराउंड क्या हुआ हुआ है, रोटेशन हुआ हुआ है। इस कार्बन के अराउंड केवल क्या हुआ है, रोटेशन। मैं इसको रोटेट कर दूं तो रोटेट करने पे ये H है, ये BR है और ये CH3 है, ओके। और यहां पे इसको अगर मैं रोटेट कर दूं तो ये CH3 और ये H और ये BR, ये वाला बनेगा। तो जो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में अगर डिफरेंस है तो यहां तो सेम ही रहा, कोई चेंज नहीं आया इस पे, तो नीचे वाले पे चेंजेज आया हुआ है और रूम टेम्परेचर पे फ्री रोटेशन होता रहता है। ये आइसोमेरिज्म अराइज हुई है ड्यू टू फ्री रोटेशन बिटवीन कार्बन कार्बन, और जब कार्बन कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन से जो आइसोमर जनरेट होता है उसको हम कन्फर्मर के नाम से जानते हैं। तो ये दीज आर पेयर ऑफ कन्फर्मर्स, आंसर जो जाएगा वो सेकेंड जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिवन, आपको तीन कंपाउंड दिए हैं, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। मैंने अभी बोला था आपको कि टोटोमेरिज्म से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहां से आते हैं, और क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपको इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी पूछ सकता है, सिग्मा इन पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन करवा सकता है, या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव टोटोमेरिज्म ये पूछ सकता है। तो ये बोला कि कौन से कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेंगे। तो देखो टोटोमेरिज्म का सिंपल सा कंसेप्ट है, कंडीशन फॉर टोटोमेरिज्म, कि टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है। तो देखें इधर मैं एक सिंपल सा कंसेप्ट बता रहा हूं टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, ऑल कंसेप्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो समझिएगा कि आपके पास ए डबल बॉन्ड बी टाइप का स्केलेटन हो, ओके, और यहां कंडीशन है कि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, इस टाइप का स्केलेटन होना चाहिए, और उसमें बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, साथ के साथ इस पे जो कार्बन बॉन्डेड है ये कार्बन मस्ट बी sp3, ये कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। यू नो सभी जानते हो कि sp3 का मतलब है कि कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड से क्या होना चाहिए, बॉन्डेड होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और मस्ट हैव हाइड्रोजन, और इसके पास क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन होनी चाहिए। मतलब सीधा सा स्केलेटन अगर मैं बात करूं तो ए डबल बॉन्ड बी कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं एल्फा कार्बन और इसको हम बोलते हैं एल्फा हाइड्रोजन, और ये कौन सा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, तब ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये यहां से यहां। अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड स्केलेटन रखता है तो वो टोटोमेरिज्म शो करता है, ये कंडीशन है फर्स्ट, ये कंडीशन है फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि यही आपके पास ए डबल बॉन्ड बी का स्केलेटन हो और ये पास वाला कार्बन ये वाला मान लो sp2 आ गया, बट अगर ये sp2 आ गया तो इसके आगे आपको चेक करना है, अगर स्केलेटन के जस्ट पास वाला कार्बन ये भी sp2 आ गया और ये भी sp2 आ गया, तो आपको जब आगे तक चेक करना है कि हो सकता है आगे sp3 हो और यहां पे कार्बन यदि sp3 है तो भी आप यहां पे कार्बन अगर sp3 है तो भी आप यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, ये वाली कंडीशन है जब ये टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो दो कंडीशन है, अब हम देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्केलेटन को चेक करें भैया, ए डबल बॉन्ड बी स्केलेटन आपके पास है या नहीं है। तो देखें यहां कार्बन ये स्केलेटन है, ये का जो स्केलेटन है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए,
यहां भी स्केलेटन है, यहां भी स्केलेटन है, मतलब स्केलेटन वाली कंडीशन तीनों जगह फुल हो रही है। अब हम देखते हैं जस्ट पास वाला कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है, sp3 है, हाइड्रोजन है, तो ये वाला कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड कंपाउंड की बात करें तो इसके पास भी यहां हम देखूं तो ये हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन है, तो ये भी क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। तो फर्स्ट शो करेगा और सेकंड भी शो करेगा। अब इसकी बात करते हैं, इधर बात की अल्फा कार्बन है, sp3 है, बट यहां क्या है, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इधर से शो नहीं करेगा। इधर चेक करता हूं sp2, तो आगे जाके मुझे क्या मिल गया, sp3 हाइड्रोजन मिल गया, तो यहां से ये टोटोमेरिज्म क्या कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो गिवन कंपाउंड है वो तीनों ही क्या कर रहे हैं, टोटोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। क्लियर, समझ में आ गया, आगे चले। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है और टोटल आइसोमर पूछे हैं। ये क्वेश्चन भी NCERT से बिलोंग है, 12th क्लास की NCERT जाओगे तो N कंटेनिंग जो कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाला जो चैप्टर है उसमें ये क्वेश्चन है, तो NCERT से क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टोटल आइसोमर आपको पूछते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है एमीन का, और एमीन आपको पता है कि एमीन तीन तरह की होती है, कि NH2 ग्रुप होता है, एक NH ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजन ग्रुप होता है। जब NH2 ग्रुप होता है तो 1 डिग्री एमीन, NH में 2 डिग्री और नाइट्रोजन में 3 डिग्री एमीन होती है। अब इस फॉर्मूले पे अगर अरेंज करें तो आप देखें कि तीन कार्बन है। अब तीन कार्बन पे CH3, CH2 और ये CH2, NH2 एक बार यहां लगा सकता हूं 1 डिग्री एमीन, एक बार में तीन कार्बन पे CH3, CH, NH2 और ये CH3 एक बार यहां लगा सकता हूं, तो ये दोनों ही कौन सी डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। इसके अलावा मैं NH के दोनों तरफ कार्बन लगा सकता हूं, तो NH के दोनों तरफ कार्बन लगाऊंगा तो एक कार्बन इधर आएगा और दो कार्बन आप इधर लगा सकते हो, तो एक आइसोमर ये भी बन जाएगा। इसके अलावा 3 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन लगाने हैं आपको, तो आपके पास तीन ही कार्बन है, एक CH3 यहां जाएगा, एक CH3 यहां जाएगा और एक CH3 यहां जाएगा। तो इसका मतलब 1 डिग्री एमीन जो बनेंगे वो दो बनेंगे, 2 डिग्री एमीन जो बनेगा वो 1 बनेगा और 3 डिग्री एमीन भी वो बनेगा 1 बनेगा। टोटल आइसोमर की बात करें तो 1, 2, 3 और 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा 4, और 4 जो दिया हुआ है वो 4th ऑप्शन में दिया हुआ है, ये 4th आंसर करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ CH3CHOH COH विच आर ऑप्टिकली एक्टिव आर कोल्ड, कि इसके दो पॉसिबल स्टीरियो जो स्ट्रक्चर हैं वो उनको हम क्या बोलेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है CH3 और यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको CHCOH CH3 H और ये OH, ये वाला कंपाउंड है। और इस कंपाउंड का मैं नाम भी बता देता हूं आपको कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो हम इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अब एक ही कायरल सेंटर है, और जब किसी भी कंपाउंड में ओनली वन कायरल सेंटर की पॉसिबिलिटी है, तो वन कायरल सेंटर है तो या तो उसका, या तो वो अपना आइडेंटिकल बनाएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि क्या आ जाए, वो उसका एनेंचोमर बन जाए। तो एक तो ये है। अब किस में हमें बोला है कि टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर, तो एक कायरल सेंटर है तो इसकी दूसरी पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर क्या होगी, इसकी मिरर इमेज, और इसकी मिरर इमेज होगी वो होगी CH3H और OH, और ये दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, और बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव है, वन कायरल सेंटर पे कंपाउंड हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ये दोनों क्या है, ये बोथ आर
एनेंचोमर, तो इसका आंसर जाएगा दो, एनेंचोमर मतलब सेकंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यामिति समानता प्रदर्शित करेगा। तो यहां ज्यामिति समानता की बात करें तो सबसे पहले आप यह देखें कि ज्यामिति समानता के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन तो हम पढ़ के आते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब दो कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं होना चाहिए। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है मल्टीपल बॉन्ड में, तो यहां अगर मैं बात करूं तो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में फ्री रोटेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। साथ के साथ यहां जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, ये ए और ये बी, इस कार्बन पे ये दोनों मस्ट बी डिफरेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट होने चाहिए। इधर जो ग्रुप लगे हुए हैं ए और बी, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट होने चाहिए। अच्छा, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उधर कौन लगा हुआ है इधर कौन लगा हुआ है इसका कोई रिलेशन आपको चेक नहीं करना है। बस ये जहां जिस कार्बन के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जिसको हम स्टीरियोसेंट्रिक के नाम से जानते हैं, वहां पे जो दो ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होने चाहिए। और ये जो चार ग्रुप है वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अराउंड एक ही प्लेन में लाइज होना चाहिए। तो यहां तो एक सिंपल सा हमारे पास कंसेप्ट है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो पहला कंपाउंड है वो है 2-फिनाइल-1-ब्यूटीन, इनका मतलब क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। तो पहले कंपाउंड की अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो पहले कंपाउंड में ब्यूटीन, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन, चार कार्बन आएंगे, और वन ब्यूटीन बोला है तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आएगा, वन नंबर पे मैंने लगा दिया है। फिर बोला है टू फिनाइल, तो यहां तो लग गए दो एच, और वन और ये टू और दो पे लग गए ये पीएच। अब ये इधर वाले दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अराउंड है, तो इधर वाले दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है बट इधर वाले नहीं है। मैंने बोला दोनों तरफ क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो पहला वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। देखें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 1,1-डाइफिनाइल प्रोपेन, तो ये जो प्रोपेन है, प्रोपेन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 1,1-डाइफिनाइल मतलब फिनाइल का मतलब पीएच ग्रुप, बेंजीन रिंग यहां लगा हुआ है फिनाइल, और दो नंबर पे लगा हुआ है 1,1-डाइफिनाइल 1-प्रोपेन, तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो हमारे पास पहली कंडीशन जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन थी वो ही नहीं आई है, तो सेकंड वाला नहीं शो करेगा। इसको चेक करते हैं, 1-फिनाइल 2-ब्यूटीन, थर्ड ऑप्शन को अगर हम चेक करें 1-फिनाइल 2-ब्यूटीन, तो 2-ब्यूटीन का मतलब हुआ चार कार्बन, और दो नंबर पे लगाया हुआ है ये वाला, और एक नंबर पे कौन लगा हुआ है यहाँ पे पीएच ग्रुप फिनाइल, और यहाँ पे हाइड्रोजन बोला हुआ है 1-फिनाइल, दो 1, 2, 3, और इधर लगा हुआ है 1-फिनाइल और 2-ब्यूटीन, तो यहाँ भी एक क्या लगा हुआ है एच लगा हुआ, और ये क्या हो गया CH3। तो देखो ये कंपाउंड हो गया 1-फिनाइल 2-ब्यूटीन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके अराउंड आया, ये वाले दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और ये वाले दोनों ग्रुप भी क्या है, यहां बात करें तो ये वाले दोनों ग्रुप भी क्या हुए, डिफरेंट हुए। तो इस कंडीशन में ये वाले भी डिफरेंट है और ये वाले भी डिफरेंट है, तो ये वाला कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपेरिजन ऑफ स्टगर्ड एंड एक्लिप्ट कंफर्मेशन, स्टगर्ड एंड एक्लिप्ट कंफर्मेशन ऑफ एथेन इज, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म से, और यहां आपको बोला है कि एथेन के दो कंफर्मर हैं, एक कंफर्मर को बोला है एक्लिप्ट और एक को बोला है स्टगर्ड। तो मैं पहले आपको एक्लिप्ट और स्टगर्ड के बारे में बता देता हूं कि एथेन क्या है बेटा, CH3 और ये CH3, ये एथेन है। ओके, अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो कार्बन, इस कार्बन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाला मैंने फ्रंट वाला कार्बन दिखाया, एक कार्बन यहां है एक कार्बन यहां है, इस कार्बन पे तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक यहां पे एक यहां पे एक यहां पे,
पीछे वाले कार्बन पे भी तीन लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और दो यहाँ पे, दोनों के बीच जो पीछे वाला कार्बन है उस पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला और ये वाला। तो यहां पे दोनों कार्बन के बीच, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में डाईहेड्रल एंगल जो है वो जो है थीटा है, वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, समझिएगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। दूसरा, ये कौन सी फॉर्म बनाई मैंने, ये बनाई मैंने एक्लिप्स्ड। ओके, अब दूसरा इसने बोला है एक्लिप्स्ड फॉर्म है ये, दूसरा बोला है स्टगर्ड, तो मैं स्टगर्ड फॉर्म बनाता हूं। स्टगर्ड फॉर्म का मतलब डाईहेड्रल एंगल कितने का होगा, 180 का। तो स्टगर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्रंट वाला कार्बन है उस पर यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, जो पीछे वाला कार्बन है उस पर यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन। यह फॉर्म है कौन सी, स्टगर्ड फॉर्म। तो मैंने दो फॉर्म बनाई है, अब दोनों फॉर्म को आप समझिएगा। जो एक्लिप्स्ड फॉर्म है वो क्या है, कार्बन है यहां पे, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ये वाला ये स्ट्रक्चर है। जस्ट पीछे वाले कार्बन पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये वाला लगा हुआ है। तो ये जो कार्बन के जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड है और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन। यहां कार्बन हाइड्रोजन है, यहां कार्बन हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्शन। इधर कार्बन हाइड्रोजन है, इधर कार्बन हाइड्रोजन है, इनके बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्शन। ठीक है, अब आते हैं इस पे। यहां मैंने बोला आगे वाला कार्बन यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, और पीछे वाला जो है जस्ट क्या है, अपोजिट हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन। तो आप इसको देखें, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर है और यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ऊपर की तरफ है, तो इनके बीच में क्या नहीं है, रिपल्शन नहीं है। तो बेसिकली स्टगर्ड फॉर्म क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में हमें क्या बोला हुआ है, उसको चेक करते हैं। द एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल, गलत हो गया स्टेटमेंट, एक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल नहीं है। यहां डाईहेड्रल एंगल जो आया है वो 180 का आया है, यहां रिपल्शन मिनिमम है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। तो इस स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पूछा है कंपैरिजन करें तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन का मतलब नहीं है, ये तो गलत हो गया। सेकंड बोल रहा है द एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल, वापस से वही लाइन बोल रहा है कि एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन एथेन का मोर स्टेबल है, तो गलत हो गया ना, एक्लिप्स्ड फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, द स्टगर्ड कंफर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल। यहां तक का स्टेटमेंट सही है कि स्टगर्ड कंफर्मेशन ऑफ एथेन इज क्या है, मोर स्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, देन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बिकॉज स्टगर्ड कंफर्मेशन हैज नो टोर्सिनल स्ट्रेन। टोर्सिनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, वो मैं यही बोल रहा हूं कि रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर, एक्लिप्स्ड में ये दोनों सेम साइड है तो इनके बीच में रिपल्सन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जबकि इसमें दोनों क्या है, अपोजिट साइड है, जस्ट अपोजिट साइड है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, यहां क्या हो रहा है, रिपल्सन कम हो रहा है। बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन जितना ज्यादा होगा टोर्सनल स्ट्रेन उतनी ही ज्यादा होगी, तो एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन की टोर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है और उसकी टोर्सनल स्ट्रेंथ क्या है, कम है। तो स्टगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल, तो ये स्टेटमेंट सही है, स्टेबल देन एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बिकॉज स्टगर्ड कंफर्मेशन हैज नो टोर्सनल स्ट्रेन, इसमें टोर्सनल स्ट्रेन नहीं है, इसमें टोर्सनल स्ट्रेन है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। फोर्थ को और चेक कर लेते हैं, द स्टगर्ड कंफर्मेशन ऑफ एथेन इज लेस स्टेबल, ये गलत हो गया, स्टगर्ड कंफर्मेशन लेस स्टेबल है नहीं। तो अगर आप बहुत ढंग से देखोगे तो पहली लाइन से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो रहा था कि एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन लेस स्टेबल देन स्टगर्ड कंफर्मेशन बिकॉज एक्लिप्स्ड कंफर्मेशन हैव टोर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, आ गया स्टेटमेंट समझ में, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकल एक्टिव, ये क्वेश्चन है स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। तो किसी भी कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर चेक करना है तो चेक करने के लिए यहां दो पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है कि अगर उस कंपाउंड में POS या फिर COS प्रेजेंट है, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव। क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। और यदि कंपाउंड में POS एब्सेंट है, COS एब्सेंट है, ये दोनों ही एब्सेंट है तो कंपाउंड होता है ऑप्टिकल एक्टिव।
तो इसका मतलब हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो हमें इस क्वेश्चन में केवल ये चेक करना है कि जिस भी कंपाउंड में POS और COS दोनों ही एब्सेंट है, दोनों में कोई एक भी नहीं होना चाहिए, ना तो POS होना चाहिए ना COS होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए, वो एब्सेंट है, वो जो कंपाउंड होगा वो होगा आपका ऑप्टिकल एक्टिव। अब बात आती है POS क्या होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड की वह इमेजिनरी प्लेन, कि उस कंपाउंड को यदि मैं बाइसेक्ट करूं तो वो दो बराबर भागों में कट जाए और दोनों भाग एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। और प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ी भी होगी। वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि किसी भी कंपाउंड की वह इमेजिनरी प्लेन जिससे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करने पर वो दो बराबर भागों में कट जाए और दोनों भाग एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब मैं सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करता हूं। बाइफिनाइल का मतलब क्या है? बाइफिनाइल का मतलब है कि दो फिनाइल रिंग ऐसे बॉन्डेड हो, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बाइफिनाइल। एक रिंग ऐसे हो और ये दूसरी रिंग ऐसे हो, बाइफिनाइल। अब बाइफिनाइल अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो ये कंपाउंड तो पूरा क्या होता है, एक ही प्लेन में होता है। बट जैसे ही मैं यहां ग्रुप लगाऊंगा इस जगह जैसे ही मैं बल्कि ग्रुप लगाऊंगा, जो ग्रुप है, जो रिंग है, वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर बोल रहा हूं कि जनरली बाइफिनाइल जो होता है वो एक ही प्लेन में होता है, बट अगर बाइफिनाइल की इन पोजीशन पे मैं बल्कि ग्रुप लगाता हूं तो बल्कि ग्रुप लगाने पे क्या होगा, रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों रिंग एक दूसरे के क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे ये चार ग्रुप यहां पर लगे तो ये जो दोनों रिंग है वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसे? एक रिंग ऐसे है, ये वाली रिंग, और यहां पे आपके बी आर और आई लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी रिंग जो है वो ऐसे है, परपेंडिकुलर हो गई। जस्ट परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि दो, अगर आप बोले तो एक रिंग का अगर मैं बात करूं, ये बी आर और आई ये रिंग पे लगे हुए हैं, इधर वाली रिंग का जो बी आर आई है वो ऐसे होगा, ये जो है वो बी आर है, ये आई है, इधर ये आई है और ये बी आर है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर है तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करोगे, काटोगे, ये वाली प्लेन लगाओगे, तो डेफिनेटली बी आर और आई हाफ हाफ हो जाएंगे, बट इस आई के सामने क्या आ जाएगा, बी आर आ जाएगा, तो इसमें प्लेन नहीं लगेगी। तो ये वाला जो कंपाउंड है वो जो है वो है POS, इसमें क्या है, एब्सेंट। इसमें POS क्या है, एब्सेंट। और एब्सेंट हो गया इसका मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। अब मैं आगे वाले एग्जांपल की भी बात कर लेता हूं। इस कंपाउंड की बात करें तो मैंने बोला बाइफिनाइल जनरली क्या होती है, प्लेनर होती है, बट अगर यहां चार बल्कि ग्रुप आएंगे तो जैसे एक ही प्लेन में नहीं रहेगी, क्योंकि एक ही प्लेन में रहने पे तो यहां पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है। बट यहां पे ये जो आई, एक आई लगा हुआ है, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर आई लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहां रिपल्सन नहीं है, इसलिए ये पूरा कंपाउंड क्या है, एक ही प्लेनर है, ये कंपाउंड क्या है, प्लेनर। और प्लेनर है तो इस कंपाउंड में ऐसे पूरा प्लेन में कंपाउंड है, तो मैं अगर ये प्लेन लगाऊंगा तो आधा पार्ट ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट नीचे चला जाएगा, इसमें POS क्या है, प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव। इस कंपाउंड में भी POS क्या हो जाएगी, प्रेजेंट हो जाएगी। आप अगर इसको परपेंडिकुलर मानोगे तो भी प्रेजेंट हो जाएगी, और अगर प्लेनर मानोगे तो भी प्रेजेंट हो जाएगी, तो यहां भी POS क्या है, इसमें प्रेजेंट। इस कंपाउंड की बात करो तो यहां भी ये पूरा कंपाउंड में ये मॉलिक्यूलर प्लेन लग जाएगी, पूरा कंपाउंड एक ही प्लेन में है, क्योंकि ऑल कार्बन sp2, तो इसमें भी POS क्या है, प्रेजेंट। आपको किसी ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकल एक्टिव, तो जहां POS एब्सेंट है वो ऑप्शन फर्स्ट है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म, ठीक है। अब मैं यहां अभी मैंने बात की थी आपको, पीछे का एक क्वेश्चन आया था टोटोमेरिज्म का, उसमें मैंने कंडीशन बताई थी आपको टोटोमेरिज्म की, वही कंडीशन यहां आपको चेक करनी है। तो देखिए आप इधर कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो इसमें ए डबल बॉन्ड बी स्केलेटन प्रेजेंट है, ओके। इसमें भी ए डबल बॉन्ड बी स्केलेटन है, इसमें भी ए डबल बॉन्ड बी स्केलेटन प्रेजेंट है, ए डबल बॉन्ड बी स्केलेटन सभी जगह प्रेजेंट है।
अब ये अल्फा कार्बन है और इस पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। इधर भी अल्फा कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है। इस पे इधर नहीं है, इस पे अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहां अल्फा कार्बन है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। बट फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो देखो इधर आपने एक रूल पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ते हम, ब्रेड्स रूल। ये रूल क्या है, ये रूल क्या बोलता है, ये रूल ये बोलता है कि एट ब्रिज हेट एटम, एट ब्रिज पोजिशन एसपी टू एंड एसपी कार्बन डू नॉट एग्जिस्ट। एक हम रूल पढ़ते हैं ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग कि ब्रिज पोजिशन पे एसपी टू और एसपी कार्बन क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखें इधर, अगर आप इस हाइड्रोजन को यहां से यहां लेके आओगे तो डेफिनेटली यहां पे क्या आ रहा है, देखें ये ऐसा बनेगा, ये ओ एच और ये ऐसा है और यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड। और मैं बोल रहा हूं इस पोजिशन पे एसपी टू कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। इवन दिस कंपाउंड हैव अल्फा हाइड्रोजन, इवन दिस कंपाउंड आल्सो हैव एसपी थ्री कार्बन, बट This compound do not show tautomerism due to sp2 carbon do not exist at bridgehead position. तो यहाँ double bond character, यहाँ double bond exist नहीं करता है। Bridge position का मतलब होता है planar होना चाहिए, यहाँ planar geometry exist नहीं करेगी, इसलिए first वाला compound show नहीं करेगा। Second वाले के भी साथ यही है, इधर alpha है बट यहाँ क्या नहीं है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी ये यह आएगा तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं आएगा। ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाली हाइड्रोजन तो शो नहीं करेगी, बट ये वाली हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म क्या कर सकती है, शो कर सकती है। जो आंसर जाएगा वो जाएगा ओनली और ओनली थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द करेक्ट करस्पोंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ फोर एल्डोज विथ कॉन्फिगरेशन गिवन बिलो रेस्पेक्टिवली इज। आपको यहां पे चार कंपाउंड आपको दिए हुए हैं और इनमें कॉन्फिगरेशन पूछा है, वो भी नेमिंग के साथ कि क्या इनका कॉन्फिगरेशन होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूं कि ये दीज आर कार्बोहाइड्रेट, बायो के बच्चे हो तो कार्बोहाइड्रेट वेल नोन है आपके लिए, और कार्बोहाइड्रेट का हम कॉन्फिगरेशन करते हैं वो करते हैं डी एल नेमिंग, कैपिटल डी एंड कैपिटल एन। और डी एल नेमिंग का मेथड क्या है, डी एल नेमिंग का मेथड है कि यदि हाईएस्ट काइरल कार्बन पर, हाईएस्ट नंबर वाले काइरल कार्बन पे, हाईएस्ट नंबर वाले काइरल कार्बन पे यदि एच लेफ्ट साइड में है तब तो हम बोलते हैं डी फॉर्म, ओके, और यदि एच राइट साइड में है तब हम बोलते हैं एल फॉर्म। बट ये चेक कहां करना है, हाईएस्ट काइरल कार्बन वर्क पे, अकॉर्डिंग टू आईपीसी जो आप नंबरिंग करोगे उसमें जो हाईएस्ट काइरल कार्बन आ रहा है उसमें यदि H लेफ्ट साइड में है तो हम बोलेंगे D फॉर्म, और यदि H राइट साइड में है तो हम बोलेंगे L फॉर्म। तो यहाँ पे D और L का कंसेप्ट बोले तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1, 2, 3, 4, इसकी नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, इसकी नंबरिंग 1, 2, 3, 4, ओके, ये मैंने नंबरिंग दे दी। अब यहाँ पे इन चारों ही कंपाउंड में मैं ये देख रहा हूँ हाईएस्ट काइरल कार्बन कौन सा है, तीन नंबर, हाईएस्ट कार्बन तो फोर है बट काइरल कार्बन कौन सा है, वो तीन नंबर, इसमें भी तीन नंबर, इसमें भी तीन नंबर, इसमें भी तीन नंबर। तो यहां में अगर मैं देख पा रहा हूं, इस पे अगर मैं देखूं तो H किधर है बेटा, लेफ्ट साइड में, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म, केवल अभी इतनी इंफॉर्मेशन ली हमने, ये डी फॉर्म। इसमें H किधर है, वो भी लेफ्ट साइड में, तो ये भी कौन सी है, डी फॉर्म। यहां एच क्या है, राइट साइड में, तो ये कौन सी फॉर्म है, एल फॉर्म, और यहां भी एच कहां है, राइट साइड में, तो ये कौन सी है, एल फॉर्म। ये तो डी एल नेमिंग का कंसेप्ट है। वापस बोलता हूं, कार्बोहाइड्रेट के डीएल नेमिंग में क्या करते हैं, हाईएस्ट काइरल कार्बन को हम चेक करते हैं, उस पे एच और ओएच ग्रुप होना चाहिए, अगर एच लेफ्ट साइड में है तो डी फॉर्म है, अगर एच राइट साइड में है तो एल फॉर्म है, ओके। तो अगर हम देखें तो शुरू वाले दो के डी हैं,
लास्ट वाले दो के एल है। तो देखो इसमें डी डी दिया है अपन को, डी डी एल एल, ओके रेस्पेक्टिवली पूछा है अपन को। यहाँ एल एल तो इस ऑप्शन का आने का मतलब नहीं है, यहाँ डी डी ये ऑप्शन आ सकता है, एल एल इसका मतलब नहीं है। तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे कैंसिल हो गए, नेमिंग में सेट नहीं होंगे। अब मैं बोलता हूं कि यदि फिशर प्रोजेक्शन में यहां पे और यहां पे इक्वल साइड देन इरिथ्रो, उसको हम बोलते हैं इरिथ्रोफॉर्म। यदि फिशर प्रोजेक्शन में इस पोर्शन पे यदि इक्वल ग्रुप इक्वल साइड है तो हम उसको बोलते हैं इरिथ्रोफॉर्म, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट में बोलते हो इरिथ्रोज सुगर। तो यहां पे कंसेप्ट जो है वो ट्रिक से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि e की पावर 3 इक्वल ग्रुप इक्वल साइड तो होगा इरिथ्रो, और यदि इक्वल ग्रुप अपोजिट साइड है, इक्वल ग्रुप अपोजिट साइड है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं उसको थ्रीओज फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं? थ्रीओज फॉर्म बोलते हैं। चलो अब देखते हैं, यहां इक्वल ग्रुप इक्वल साइड है और डी है तो ये डी इरिथ्रोज है, क्योंकि इक्वल ग्रुप इक्वल साइड को मैंने क्या बोला है इरिथ्रोज, तो डी इरिथ्रोज, तो ये ऑप्शन आपका सेट हो सकता है डी इरिथ्रोज। ये तो हो गया इरिथ्रो, देखें इक्वल ग्रुप अपोजिट साइड तो ये हो गया थ्रीओ, यहां इक्वल ग्रुप इक्वल साइड तो ये भी क्या हो गया इरिथ्रो, और यहां इक्वल ग्रुप अपोजिट साइड तो ये हो गया थ्रीओ, बट ये दोनों एल है और वो दोनों क्या है डी है। तो जो करेक्ट जो नेमिंग आएगा वो आएगा डी इरिथ्रोज डी थ्रीओज, ऐसा ऑप्शन देखें तो आपके पास देखो डी इरिथ्रोज डी थ्रीओज, फिर यह आया एल इरिथ्रोज और एल थ्रीओज, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। होपफुली समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज, डेफिनेटली आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हो, थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है इस क्वेश्चन का, फिर भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ऑप्शन बेस्ड हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बोला द रेडिकल इज एरोमेटिक, डेफिनेटली 6 पाई इलेक्ट्रॉन 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये किस नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का है। अब रीजन पूछा है कि एरोमेटिक नेचर का क्यों है, तो आप ये देखें कि जो बेंजीन रिंग है ये रेडिकल है, ओके, और यहां पे ये इसका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जिससे हमने क्या बनाई है पाई बॉन्ड बना है। ये तो आपको समझ में सबको आता ही होगा कि बेंजीन रिंग के ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल है जिनसे क्या बना है पाई बॉन्ड, जैसे इन दोनों की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बन गया तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इन दोनों के बीच में बन गया तो ये हो गया। तो बोल रहा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, और किस नेचर का हो रहा है ये एरोमेटिक नेचर का। 7 पी ऑर्बिटल एंड 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन गलत हो गया क्योंकि केवल 6 पी ऑर्बिटल डिलोकलाइज हो रहे हैं, ये 7 तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिंग में केवल कितने पी ऑर्बिटल हैं, 6 ही पी ऑर्बिटल हैं जो मैंने बनाए हैं यहां पे। अब फिर बोल रहा है 6 पी ऑर्बिटल एंड 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नहीं जी 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप ये देखें कि यहां मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये आगे वाला पार्ट जो भी लगा हुआ आपका रेडिकल यहां पे लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है और ये इसके पास है, इनकी पाई बॉन्डिंग से तो बना है ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। तो हमारे पास 6 पी ऑर्बिटल में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो एक्चुअली में जिनकी पेयरिंग से क्या बना है पाई बॉन्ड बना है। तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा 6 पी ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, रिंग के कारण तो एरोमेटिसिटी आ रही है। तो रिंग में अगर हम बोले 6 पी ऑर्बिटल एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बेटर एक्सप्लेनेशन होता अगर मैं इसको बोलता 6 पी ऑर्बिटल एंड 6 पेड इलेक्ट्रॉन, बट ऑप्शन बेस्ड से अगर हम आंसर देंगे तो वो जाएगा थर्ड इज करेक्ट आंसर, ओके। ये एरोमेटिसिटी कंसेप्ट से
क्वेश्चन था और एरोमेटिक नेचर आपको सबको आनी भी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड। आप स्टूडेंट रेगुलरली आप देख रहे हो कि टोटोमेरिज्म से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो आपका टोटोमेरिज्म का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल से बात नहीं करता, बट फिर भी आपको बेसिक कंसेप्ट टोटोमेरिज्म का आना ही चाहिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आया नीट 2013 में। आपको तीन स्ट्रक्चर्स दी हुई है और तीनों स्ट्रक्चर का बोला है इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आप सीखें। देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करें, जैसे ये CH2 और ये H और ये CO, ये कीटो फॉर्म है। अगर ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये वाला बॉन्ड, इसको आप क्या बोल देते हो, कीटो, और इसको क्या बोल देते हो, इनोल। समझना, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। कीटो से हमने क्या बनाया, इनोल फॉर्म बना दिया। अब अगर मैं देखूं तो कीटो में मैंने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को मैंने क्या किया, ब्रेक किया, साथ के साथ मैंने कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। मतलब मैंने दो बॉन्ड ब्रेक किए यहां पे, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया और कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। तो भाई जब बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, तो डेफिनेटली मैंने यहां कुछ एनर्जी दी है। बट एनर्जी देने के बाद मैं ये देख पा रहा हूं कि जब यहां पे इनोल फॉर्म बना तो कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड बना, साथ के साथ OH का सिग्मा बॉन्ड भी बना। तो देखो इधर आपने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को क्या किया, तोड़ा, ब्रेक किया, साथ के साथ कार्बन ऑक्सीजन का ये जो पाई बॉन्ड है इसको भी आपने तोड़ा, तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी आपको देनी पड़ी। इधर आऊंगा मैं बात, तो इधर मेरे पास क्या हुआ कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ क्या, इसका बनाई तो है बॉन्ड, और इधर साथ के साथ और क्या बना, OH सिग्मा बॉन्ड का भी क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो मैं उधर जितनी एनर्जी दे रहा हूं उतनी एनर्जी क्या इनोल फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो अगर हम डेटा बेस्ड थोड़ी सी बात करें, तो डेटा बेस्ड अगर हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को अगर मैं तोड़ता हूं तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग 361 किलो कैलोरी एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ती है। क्या बोल रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड को और कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो ऑलमोस्ट लगभग मुझे 361 किलो कैलोरी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। और जब ये बॉन्ड बनते हैं ना तो 343 किलो कैलोरी एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो डियर आप ऐसे समझें कि आपने एक कीटो से अगर इनोल बनाया तो आपको 361 एनर्जी देनी पड़ी, और जब इनोल बना तो आपको 343 एनर्जी रिलीज हुई। मतलब 361 खर्च करने पे आपको 343 एनर्जी मिल रही है। डेफिनेटली ये घाटे का सौदा है। कैसे, क्योंकि 361 देके 343 दे रहा है, इसका मतलब कीटो फॉर्म क्या होती है, स्टेबल होती है। कितनी एनर्जी से, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आप देखोगे कि 18 किलो कैलोरी का आएगा। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन से मैं आगे जाता हूं। देखिए वो लाइन क्या है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक लाइन लिखता हूं, ये लिख रहा हूं कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म बाय 18 किलो कैलोरी पर मोल। इस लाइन को पकड़ के रखें कि जब एक कीटो से मैं इनोल बनाता हूं तो सीधा सा लॉस हो रहा है 18 किलो कैलोरी एनर्जी का। अब तो इसका मतलब कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब इनोल फॉर्म कब स्टेबल होगी, यदि इनोल फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाए, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी कितनी आनी चाहिए, जो इस 18 किलो कैलोरी एनर्जी के
जो गैप को क्या कर दे, कवर कर दे। जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कितने से स्टेबल है, 18 किलो कैलोरी से। अब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल कब हो सकती है, जब उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाए। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर कौन से हो सकता है, कंपाउंड एरोमेटिक हो जाए, हो सकता है कंपाउंड में डबल बोन रेजोनेंस बढ़ जाए, हो सकता है कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाए, हो सकता है कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। ये तभी स्टेबल होगा जब ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं जिनके लिए, जैसे रेजोनेंस हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, एरोमेटिसिटी हुई, ये कब इफेक्टिव होंगे, जब ये 18 किलो कैलोरी एनर्जी के गैप को क्या करेंगे, कवर करेंगे, तब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो सकती है, अदरवाइज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे अप्रोच करता हूं, देखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे मैं अप्रोच करता हूं, देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में फर्स्ट आपके पास ये वाली है, इसकी दो स्ट्रक्चर बनाई है। एक बार तो इस वाली हाइड्रोजन को इनवॉल्व करवाया, ये यहां से, हाँ ये यहां से, हाँ तो ये वाली इनोल फॉर्म बन गई। एक बार इस वाली हाइड्रोजन को इनवॉल्व करवाया तो ये वाली इनोल फॉर्म बन गई। मतलब इस बीच वाली से एक ये वाली बन रही है और एक ये वाली बन रही है। तो ये कीटो है ना, ये कीटो फॉर्म है, इसमें इनोल बॉन्ड नहीं है। इनोल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, इनोल बॉन्ड का मतलब होता है कार्बन कार्बन और उस पर क्या लगा हुआ हो, OH। तो इसमें कार्बन कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसमें कार्बन कार्बन पे OH लगा हुआ है। तो ये इनोल फॉर्म है और ये भी कैसी है, इनोल फॉर्म है, ठीक है। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि जब डेफिनेटली मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो 18 किलो कैलोरी एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ी है। अब मैं इससे इधर आया तो क्या फायदा हुआ मुझे, क्या बना, मैं इधर लिख देता हूं कि जब ये वाला हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा तो क्या बनेगा आपके पास, CH3COH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड OCH3। तो यहां से यहां मैंने 18 किलो कैलोरी एनर्जी क्या की थी, खर्च की थी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नो डाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। साथ के साथ ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस भी दिखा रहा है। तो इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसके कारण आई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रीजन किस कारण आया, एक तो रेजोनेंस और एक हुआ क्या इसमें, एच बॉन्डिंग। ये दो कारण से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई है और इन दो कारण से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आएगी तो 18 किलो कैलोरी एनर्जी के गैप को क्या कर जाएगी, ये कवर कर जाएगी। तो इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर क्या होगी, स्टेबल होगी। तो थर्ड ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकंड से। रीजन क्या है, रेजोनेंस है और क्या आई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी बात करते, ये जब बना तो इस वाला कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है इसमें, तो एच बॉन्डिंग, बट क्या डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो यहां रेजोनेंस क्या हुआ, रेजोनेंस क्या हो गया, एब्सेंट, रेजोनेंस तो हुआ ही नहीं। तो केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 18 किलो कैलोरी एनर्जी का गैप कवर नहीं होगा। हां रेजोनेंस इसमें आया नहीं, तो वहां तो डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ है और रेजोनेंस से सिस्टम स्टेबलाइज होता है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इस सेकेंड वाली से क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। क्यों, क्योंकि इसमें रेजोनेंस क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, जो कि है फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of these least likely to act as a Lewis base? कि Lewis base की तरह, which of these is least likely to act as a Lewis base? तो देखें, BF3, SP2 और vacant क्या है इसके पास? Vacant P क्या है ये? Lewis acid, CO ये क्या है? इसके पास क्या है? Lone pair. लोन पर हो गया तो ये क्या हो गया, लेविस बेस। पीएफ3 की बात करें तो पीएफ3 में भी फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गया, लेविस बेस। एफ माइनस ऑलरेडी क्या है, लेविस बेस। तो इसका मतलब बीएफ3 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, लेविस एसिड है, वो बेस की तरह भी नहीं करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर जाएगा फोर्थ, केमिकल बॉन्डिंग से कोऑर्डिनेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following order of acidic strength is correct?
वैसे बेसिकली अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी भी कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी पीके वैल्यू पे डिपेंड करती है, फिर भी आपको कुछ एसिड्स पता होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ क्या होती है। तो जनरली अगर उस एसिड की हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है, RCOH ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद जनरली आता है फिनोल, ये जो एक ऑर्डर लिख रहा हूँ ये आपको जनरली पता होना चाहिए, फिर फिनोल आता है, उसके बाद CH3OH, उसके बाद H2O, उसके बाद ROH, मतलब अदर जो भी एल्कोहल है वो आएंगे। R बराबर यहाँ क्या नहीं होना चाहिए, CH3 नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला H, मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिक नेचर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस ऑप्शन को अगर चेक करें तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हर जगह कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, फिनोल हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, फिर CH3OH भी हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। एक मेथेनॉल ऐसा है एल्कोहल जो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, बाकी सभी एल्कोहल वाटर से क्या होते हैं, कम एसिड होते हैं। तो आंसर जो जाएगा इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जाएगा थर्ड, और जनरली पता भी होना चाहिए। आप सबसे पहले देखें कि OH बॉन्ड में पोलरिटी ज्यादा है, OH बॉन्ड ज्यादा एसिडिक होता है कंपेरेटिव टू कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, वो भी कार्बन हाइड्रोजन भी कौन सा टूट रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाला टूट रहा है। यहां भी अगर बात करूं तो कार्बन हाइड्रोजन सबसे ज्यादा ये, फिर सिंगल बॉन्ड वाला, फिर ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हाइड्रोजन, और सबसे कम जो एसिडिक होता है, सबसे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर डबल बॉन्ड वाला, और सबसे कम होता है वो सिंगल बॉन्ड वाला। तो आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एमीन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी। ये बेसिसिटी का क्वेश्चन है, जीओसी से कनेक्टेड है। अगर हम बेसिसिटी की बात करें क्वेश्चन की, कि बेसिसिटी की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बेसिसिटी का मतलब क्या है, बेसिसिटी का मतलब है लोन पेयर डोनर स्पीसीज। यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां सभी के पास क्या है, लोन पेयर है, सब जगह लोन पेयर है। तो मतलब बेस की तरह तो सभी क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। अब अगर हम बात करें ये लो, सभी बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब अगर हम बात करें कि हम बोल रहे हैं बेसिसिटी का मतलब है जो कि लोन पेयर क्या करता हो, डोनेट करता हो, तो लोन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे। अब इजी वे में कौन करेगा, मतलब अगर किसी स्पीसीज के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब अगर किसी स्पीसीज में लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं तो वो कमिंग प्रोटोन के लिए या कमिंग एसिड के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। तो देखो इसके जो लोन पेयर है वो है अनडीलोकलाइज, मतलब ये डिलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। इसके लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज, इसके लोन पेयर भी डिलोकलाइज, इसके लोन पेयर भी डिलोकलाइज, मतलब इनके तो डिलोकलाइज हो रहे हैं, डिलोकलाइज्ड, और मैं बोल रहा हूं डिलोकलाइज लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होते, और इसके है अनडीलोकलाइज। तो डेफिनेटली आपने ये भी पढ़ा होगा कि एलिफेटिक एमीन जो है वो एरोमेटिक एमीन से क्या होती है, ज्यादा बेसिक होती है। ये तीनों एरोमेटिक एमीन है, ये एलिफेटिक एमीन है, और एलिफेटिक एमीन को मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा बेसिक होती है, क्योंकि उसके लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होते, इनके लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं, और डिलोकलाइज हो रहे हैं तो कमिंग जो एसिड है या प्रोटोन है उसको इजीली क्या नहीं रहेंगे, अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर तो गलत हो गया क्योंकि ये ज्यादा बेसिक है। सेकेंड की बात करें तो इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसमें पॉसिबिलिटी आ सकती है, क्योंकि एलिफेटिक एमीन लास्ट में जाएगा। अब देखो हम ये पढ़ते हैं कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, ठीक है, प्लस एच और प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई। प्लस आर बढ़ने पर बेसिसिटी बढ़ेगी और माइनस आर बढ़ने पर बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग। तो देखिए यहां पे इसका प्लस आर लग रहा है, एनोड का क्या लगता है, माइनस आर लग रहा है, ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो माइनस आर वाला तो कम बेसिक होगा ना प्लस आर वाले से, क्योंकि प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये ऑर्डर भी नहीं आएगा। इसकी बात करें तो यहां प्लस आर लग रहा है, ये सिंपल है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, माइनस आर वाला सबसे कम बेसिक, तो ये वाला हो जाएगा। तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। और देख सकते हैं आप, ऐसे चेक कर सकते हैं कि बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी
वो होगी प्लस आर वाले की, फिर होगी प्लस एच वाले की, फिर प्लस आई वाले की, फिर सिंपल वाले की, फिर माइनस आई वाले की, फिर माइनस एच वाले की, फिर माइनस आर वाले की। तो आप देखें एलिफेटिक एमीन तो ज़्यादा होगी, अब प्लस आर, सबसे पहले प्लस आर वाला, फिर प्लस एच नहीं है, सिंपल है, एस का मतलब सिंपल जिस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ, ये वाला। इस कंसेप्ट पे आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। होपफुली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइपर कॉन्जुगेशन अकर। एक टर्म बोली है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कंसेप्ट क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन का पहले उसको देखें। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन टू टाइप का होता है, जनरली टू टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होता है तो वो कौन सा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये टू टाइप का होता है। एक है एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, एल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ठीक है। एक होता है अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ पाई एंटी बॉन्डिंग। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इस कंसेप्ट का मतलब तो ये हुआ कि जो कार्बोकेटाइन है एच 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 और कार्बोकेटाइन के पास यहां ये क्या है वेकेंट पी, और इसके पास वाला कार्बन क्या होगा अल्फा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये वाला ओवरलैप करे इसके साथ, एक तो इस टाइप का। अब ये कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन भी हो सकता है और दूसरा और फ्री रेडिकल में भी हो सकता है। फ्री रेडिकल भी सेम ऐसा ही होगा, हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक जो आएगा वो इधर से इधर आएगा। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा इलेक्ट्रॉन ओवरलैप विथ वैकेंट पी ऑर्बिटल, ओके। अब ये केस किसमें होता है, इससे हम क्या चेक करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, इन दो की हम स्टेबिलिटी क्या करते हैं इससे चेक करते हैं, कार्बोकेटाइन की और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं। दूसरा मैंने बोला कि इससे हम किसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इससे हम करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, एल्किन के पास पाई एंटी बॉन्डिंग होता है। अब आप देखें फ्री रेडिकल है ये फर्स्ट वाला, ये वाला अल्फा, इधर भी अल्फा, बट क्या इस अल्फा पे हाइड्रोजन है, नहीं है। ये अल्फा कौन सा हो गया, कंडीशन क्या है कि ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए और इस पे क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन होनी चाहिए, sp3 होना चाहिए और इस पे क्या होनी चाहिए हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला कंपाउंड शो नहीं करेगा। यहाँ भी ph3 बेंजीन रिंग लगी हुई है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये वाला भी शो नहीं करेगा। अब अगर हम बात करें इस कंपाउंड की तो यहाँ आप देखें रेडिकल है और इसके पास यहाँ हाइड्रोजन है तो ये शो करेगा क्योंकि एक हाइड्रोजन है, इधर से शो नहीं करेगा, इधर से तो वही डबल बॉन्ड नहीं आएगा क्योंकि ब्रेड्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ओनली और ओनली वो होगा थर्ड में। तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन टू टेक प्लेस। अगर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है तो कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देखें कि CH3 का प्लस एच आई लगेगा तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इधर होंगे क्योंकि इसका क्या लगता है प्लस आई इफेक्ट लगता है। फिर ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो Cl बाहर होगा तो Cl को रिप्रेजेंट नहीं किया इन्होंने। यहाँ बात करें तो CH3 का यहाँ भी प्लस आई लग रहा है, फिर ये डबल बॉन्ड इधर से इधर आएंगे, ये मिसिंग है, इसमें ये एरो मिसिंग है, इसमें ये वाला एरो मिसिंग है तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये एरो मिसिंग है, इसमें ये एरो मिसिंग है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड इधर से इधर नहीं जाएंगे क्योंकि CH3 का प्लस आई लगता है, डायरेक्शन इधर दिखा रखी है तो ये भी नहीं होगा। इसको अगर चेक करें तो CH3 का प्लस आई लग रहा है या प्लस एच बोल दो तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट और ये Cl क्या हो जाएगा बाहर, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो आएगा फोर,
तो करेक्ट आंसर 4. नेक्स्ट, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ दीज कंपाउंड विल बी इन द ऑर्डर. अब मैं बात करता हूं हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है. जब भी किसी कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो जैसे कार्बन और कार्बन ये बॉन्ड है, इस पे मैं एच एच का एडिशन करवाता हूं तो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बनेगा. तो ड्यूरिंग रिएक्शन हुआ क्या, कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड टूटा, ये ब्रेक हुआ, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड टूटा है. तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी देनी पड़ी है. यहां पे क्या हुआ, दो कार्बन हाइड्रोजन यहां पे आपके पास जो हुआ, वो हुआ दो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बने हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी का नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. जब किसी कंपाउंड का हम हाइड्रोजिनेशन करवाए रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है H2 का एडिशन, तो मैं यहां H2 का एडिशन करवा रहा हूं, तो उस दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसी का नाम है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन. मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. ठीक है, अब ये कैसे चेक करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन. भाई इस पाई बॉन्ड की जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना, इसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इसका मतलब पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी अगर बढ़ती है तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और आपने सबने पढ़ा भी होगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. देखें, हम ये चेक करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड. पहले आपको डबल बॉन्ड चेक करने हैं. अब यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम आ जाए तो फिर आपको चेक करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड. फिर आपको यह चेक करना है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड की क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो देखिए यहां पे तीन पाई बॉन्ड है, यहां भी तीन पाई बॉन्ड है और यहां भी तीन पाई बॉन्ड है. तो फर्स्ट कंसेप्ट तो हमारा सेम आ गया क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सभी में क्या है, सेम है. अब हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड जितनी ज्यादा है वहां हीट ऑफ हाइड्रोजन उतनी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी. तो देखिए यहां पे ये डबल बॉन्ड में ये क्या हो, किस नेचर का है, एरोमेटिक नेचर का, मतलब रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक आ रहा है तो ये मोस्ट स्टेबल है. इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसमें रेजोनेंस और इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस क्या है, एब्सेंट. तो सबसे ज्यादा अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, यहां पे कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात करूं तो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो फर्स्ट है, फिर कौन सा है, सेकंड, और उसके बाद कौन सा है, थर्ड. अगर हीट ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होगी थर्ड की, फिर सेकंड की, और उसके बाद फर्स्ट की. ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है, थर्ड सेकंड फर्स्ट हमारे पास आंसर आएगा और वो है थर्ड. तो थर्ड इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज. तो देखें वन पाई बॉन्ड फॉर्मड बाय टू इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कितने इलेक्ट्रॉन से होता है, टू इलेक्ट्रॉन से होता है. तो देखो इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, वन पाई बॉन्ड, वन टू थ्री और फोर, तो टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, फोर पाई बॉन्ड. और मैं बोल रहा हूं इसमें आपसे पूछा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, मैं बोल रहा हूं एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन दो इलेक्ट्रॉन से होता है तो चार पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कितने से होगा, एट इलेक्ट्रॉन वाले पाई बॉन्ड हो गए. तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड. सिंपल सा बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आयनाइज्ड सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन को हम कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं,
कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कहां बनेगा। तो आप एक सिंपल सा कंसेप्ट देखो, जब भी कार्बन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो डेफिनेटली ये जब ये वाला जो बॉन्ड टूट रहा है तो ये बॉन्ड टूट रहा, तो Cl इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल रहा है और जो स्पीसीज बनती है ना वो आपके पास ये वाली बनती है। ये वाली स्पीसीज बनती है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जब Cl निकल रहा है तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेके भी बाहर निकल रहा है। अब ये कार्बन इस Cl को ईजीओ में इलेक्ट्रॉन कब देगा, जब पीछे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो Cl को उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। ऐसे समझे सिंपल से मेथड में, भाई कार्बन कहेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका ऑक्टेट क्या नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा, बट कार्बन को Cl को इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इस कंडीशन में देगा, भाई देगा तो हर कंडीशन में, बट अगर स्टेबल हो रहा है, वो मोर स्टेबल हो रहा है तो वो क्या दे देगा, इजी वे में दे देगा। तो आप यहां देखें, यहां देगा तो Cl यहां पॉजिटिव चार्ज आया, अगर यहां देगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया, यहां देगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया और यहां देगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आया। अब हम बात करते हैं कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना कहां, तो यहां पे कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, यहां पे ये कार्बन जो है वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, और जब रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इस केस में बनेगा, इसलिए सबसे जल्दी आयोनाइज्ड जो होगा वो होगा फोर्थ, इसलिए आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। आपसे बोला सबसे ज्यादा स्थायी कार्बोनियम आयन देता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल एमीन इज, एराइल एमीन का मतलब क्या है कि रिंग के साथ नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होते हों, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हों, दिस इज कॉल्ड एराइल एमीन या एरोमेटिक एमीन, जब नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के साथ क्या होते हों, डीलोकलाइज होते हों। तो आपसे बोला है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिसिटी ऑफ एराइल एमीन इज, एराइल एमीन की सारकता के लिए सही कथन क्या है। ओके, देखें, एराइल एमीन आर जनरली मोर बेसिक देन एल्काइल एमीन, और एल्काइल एमीन क्या होगी बेटा, एल्काइल एमीन होती है RnH2, ये लोन पेयर, तो इसके लोन पेयर तो क्या होते हैं, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, इसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अभी एक मैंने पीछे क्वेश्चन करवाया है उसमें बोला है कि जो ईजीवे में लोन पेयर देगा वो ज्यादा बेसिक होगा, तो ये ईजीवे में लोन पेयर नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए ये ईजीवे में नहीं देगा। पहला ऑप्शन देखें, एराइल एमीन आर जनरली मोर बेसिक, पहला ये बोला कि एराइल एमीन जनरली मोर बेसिक होता है, नहीं, एल्काइल एमीन ज्यादा होती है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला स्टेटमेंट यही गलत हो गया। एराइल एमीन आर जनरली मोर बेसिक, ये भी गलत हो गया, एराइल एमीन ज्यादा बेसिक नहीं होती, एराइल एमीन आर जनरली मोर बेसिक, ये भी गलत हो गया। देखो कितना इजी वे में क्वेश्चन हो रहा है, तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि एराइल एमीन ज्यादा बेसिक नहीं हो सकती एल्काइल एमीन से, या बोला है एराइल एमीन आर जनरली लेस बेसिक, डेफिनेटली ये लेस बेसिक है, फिर बोला है देन एल्काइल एमीन, ठीक है, बिकॉज द नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बाय इंट्रैक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये मैंने बोला है अभी कि नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के साथ क्या दिखा रहे हैं, रेजोनेंस दिखा रहे हैं, इसलिए आसानी से अवेलेबल नहीं होगा, तो इजी सा क्वेश्चन, आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द गिवन कार्बेनाइन, एक आपको कार्बेनाइन दिया हुआ है, इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये जो कार्बेनाइन के जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ऑप्शन दिए हुए हैं sp3, sp2, sp और 2p, तो इसका आंसर जो जाने वाला है वो sp जाने वाला है, और वो कैसे जाएगा उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखें इधर हम ये बात करते हैं कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो n की वैल्यू जो होती है कि n की वैल्यू अगर 2 आती है तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp, और n की वैल्यू 2, n कैसे कैलकुलेट करते हैं, n हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, इससे हम n की वैल्यू चेक करते हैं। तो अगर मैं यहां n की वैल्यू चेक करूं इसके अराउंड, तो ये CH3, ये कार्बन और ये ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन, और यहां पे क्या प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज। तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। और मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं, sp का मतलब इसके पास दो sp ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और दो sp ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि एक कार्बन sp ये हुआ, दूसरा कार्बन का sp ये हुआ। इसमें नेगेटिव चार्ज है और ये इधर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दूसरे कार्बन से, इसलिए जो आंसर जाएगा वो जाएगा sp। एक तो हम इस वे से देख सकते हैं, दूसरा हम इस वे से भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक्चुअली में जब न्यूट्रल था तो ये वाला था। अब आपने H प्लस यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अभी ये कार्बन कौन सा था, sp। तो H प्लस रिमूव किया है, वो sp से रिमूव हुआ है, ये ओवरलैपिंग कौन सी थी, sp और 1s। इससे इस वे से देखेंगे तो भी आंसर क्या जाएगा, हमारे पास sp जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, एक आपको कंपाउंड दिया हुआ है और पूछा है कि किस कंपाउंड में सभी एटम कोप्लेनर है। इसका मतलब यह हुआ, कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि ऑल एटम लाइज इन सेम प्लेन, कि सभी एटम सेम प्लेन में होने चाहिए, इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला कंपाउंड है, तो यहां जितने कार्बन है वो कौन सा है, sp3। और sp3 नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, नॉन प्लेनर 3D स्ट्रक्चर, इसका मतलब इसमें सभी एक ही प्लेन में नहीं है, तो फर्स्ट आंसर नहीं आएगा। सेकंड बात करें, अच्छा sp एंड sp2 कार्बन एंड स्पीसीज और एटम बॉन्डेड टू sp और sp2 कार्बन लाइज इन सेम प्लेन। इस कंसेप्ट को आप देखें, कंसेप्ट है कि मैं बोल रहा हूं sp और sp2 कार्बन, sp है या sp2 कार्बन है, या sp और sp2 कार्बन से बॉन्डेड स्पीसीज या उससे बॉन्डेड जो एटम है उसका एक ही प्लेन होगा। तो यहां अगर बात करें, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp है, ये sp है, क्योंकि c इसका मतलब क्या है, c ट्रिपल बॉन्ड n, तो ये इतना वाला पार्ट तो क्या है, एक ही प्लेन में है। अब इस कार्बन से जो ये कार्बन बॉन्डेड है यहां पे, ये कार्बन तो एक ही प्लेन में है, इसके साथ ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, बट ये जो दो हाइड्रोजन है, एक अबाउट द प्लेन है, दूसरा बिलो द प्लेन है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा, sp3 हो गया, और मैं बोल रहा हूं sp3 का ये जो कार्बन है, ये कार्बन केवल इसके साथ प्लेन में है, बाकी दो हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, तो सेकंड वाला आंसर भी नहीं आएगा। इसकी बात करें तो यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां भी सभी क्या है, sp3, तो ये भी नहीं आएगा। अब इसकी बात करें तो क्या यहां ऑल एटम या ऑल कार्बन आर sp2, यहां सभी कार्बन क्या है, sp2 है, और सभी कार्बन sp2 है, तो ऑल एटम लाइज इन सेम प्लेन, सभी एटम एक ही प्लेन में लाइज करेंगे, तो जो आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ, तो फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, और सभी में COH ग्रुप दिया हुआ है। तो जब एसिडिक स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H -I, कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है -R -H -I के, या फिर मैं बोल दूं कि ऐसे बोल दूं कि एसिडिटी
is directly proportional to minus I, inversely proportional to plus I. अब बात करते हैं यहां COH ग्रुप है, ये जो रिंग वाला पार्ट है वो तो सब में सेम है, और इस COH ग्रुप पे इस दूसरे ऑक्सीजन का क्या लगने वाला है, माइनस आई। इस COH ग्रुप पे इस ऑक्सीजन का भी क्या लगने वाला है, माइनस आई। इन दोनों ही जगह क्या लगने वाला है, माइनस आई, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा, इसमें इस रिंग का जो लगेगा वो क्या लगेगा, प्लस आई लगेगा। तो प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिटी सबसे कम होगी, तो डेफिनेटली जो फर्स्ट स्पीसीज है वो अदर टू स्पीसीज से क्या होगी, कम एसिडिक होगी। समझ में आया, क्योंकि इस रिंग का यहां लग रहा है प्लस आई, और प्लस आई अगर लगता है तो एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक कंसेप्ट मेरे पास आया है कि फर्स्ट की जो एसिडिटी है वो कम है किससे, सेकंड और थर्ड से। अब बात करते हैं कि सेकंड और थर्ड में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो दोनों में ही माइनस आई लग रहा है, बट जहां माइनस आई ज्यादा लगेगा, जहां माइनस आई ज्यादा लगेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखिए आप इधर, यहां से अगर मैं चेक करूं इस कार्बन से 1, 2 और 3 नंबर से ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, ठीक है। और अगर यहां बात करें तो 1, 2, 3 और 4, यहां 4 नंबर से ऑक्सीजन का क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है। और हमें पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डोमिनेट फैक्टर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये ऑक्सीजन इस COH के ज्यादा क्लोज है तो इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगेगा, मतलब ज्यादा माइनस आई लगेगा। ये इससे दूर है तो इसका माइनस आई कम लगेगा, और माइनस आई ज्यादा जहां लगेगा वहां ज्यादा एसिडिक नेचर होगी, इसका मतलब सेकंड ज्यादा एसिडिक है थर्ड से। तो आंसर आ जाएगा सबसे ज्यादा सेकंड, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम एसिडिक जो होगा वो फर्स्ट होगा। समझ में आ गया होगा, ऐसा ऑप्शन जो है हमारे पास वो है फर्स्ट, तो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। अगर हम यहां बात करें कि सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एसिडिक सोर्स क्या है, कौन सा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, सबसे पहले ये देखें। तो सब में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो है ऑल हैव फिनोलिक OH ग्रुप। यहां भी ये फिनोल वाला है, यहां भी फिनोल वाला है, यहां भी फिनोल वाला है, और यहां भी फिनोल वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब देखना, मैं यहां तो पूछा है मोस्ट एसिडिक, मैं इनका ऑर्डर बताऊंगा कि इनका एसिडिटी ऑर्डर हमें कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले हमने सोर्स चेक किया कि कौन सा कंपाउंड कहां से एसिडिटी शो कर रहा है, कि कौन से बॉन्ड का क्लीवेज होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि सभी कंपाउंड में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, सभी में OH बॉन्ड ब्रेक होगा। और जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो वही कंसेप्ट है कि एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, माइनस एच, माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, प्लस एच और प्लस आई। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एसिडिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे ज्यादा माइनस आर वाले की होगी, फिर माइनस एच वाले की होगी, फिर माइनस आई वाले की होगी, फिर एस का मतलब सिंपल जिस पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ हो, उसके बाद प्लस आई वाले की होगी, उसके बाद प्लस एच वाले की होगी, सबसे कम एसिडिटी जो होगी वो प्लस आर वाले की होगी। अब हम इफेक्ट चेक करते हैं, तो इस फिनोल पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो ये वाला कैटेगरी जाएगी हमारी सिंपल, जिस पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। इस पे बात करें NO2 का, सभी को इफेक्ट पता होना चाहिए, पेरा पोर्शन पे है तो इसका माइनस आर लगेगा। यहां 3 NO2 है, ये इसके ऑर्थो के रेस्पेक्ट में है, ये वो पेरा पे है, ये ऑर्थो पे है, तो इसका भी माइनस आर लगेगा, इसका भी माइनस आर लगेगा, इसका भी माइनस आर लगेगा। और ये वेल नोन एसिड है जिसको आप बोलते हैं पिक्रिक एसिड, इस एसिड का नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड है। यहां CH3 का जो है वो लगेगा प्लस एच, यहां लगेगा CH3 का प्लस एच। अब हम एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि एसिडिटी होगा जहां माइनस आर लगा है, यहां भी माइनस आर लगा है, यहां भी माइनस आर लगा है, बट आप देख सकते हैं कि इसमें केवल एक NO2 ग्रुप का माइनस आर लग रहा है, जबकि यहां 3 NO2 ग्रुप का माइनस आर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर का होगा वो होगा थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड जिस पे माइनस आर लग रहा है। अब इस पे प्लस एच, फिर माइनस एच कहीं नहीं लग रहा, माइनस आई कहीं नहीं लग रहा, सिंपल सिंपल कौन सा है अपने पास, फर्स्ट वाला है।
और उसके बाद प्लस एच वाला जो सबसे कम एसिडिक होगा फोर्थ। मतलब इन कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा हुआ था कि विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो होगा थर्ड, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन श्रेणी के लिए सही कथन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या होता है पहले हम इस चीज को देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रोफाइल को हम लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और ये दो वर्डों से बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से लव करती है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाली स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। हिंदी में देखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है उसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। अब बात आती है कि कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगी, तो इस बात की हम बात करें कि कौन सी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगी, तो पहली बात तो वो स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जिस स्पीसीज के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, या उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जो लेविस एसिड है जो लोन पेयर क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, वो इलेक्ट्रोफाइल होगी। मतलब लेविस एसिड हो सकता है, या फिर वो स्पीसीज जिसके पास वेकेंट पी या डी ऑर्बिटल हो, या फिर वो स्पीसीज जिस जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो पहला बोला है इलेक्ट्रोफाइल इज ए नेगेटिव चार्जेज स्पीसीज, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्जेज स्पीसीज नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव चार्जेज स्पीसीज तो हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, ये स्पीसीज नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, कट हो गया। सेकंड, इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियोफाइल। यस, इलेक्ट्रोफाइल मैंने जरूरी नहीं है, कैटायनिक स्पीसीज भी हो सकती है बट न्यूट्रल भी हो सकती है, तो यहां बोला है कि जनरली इलेक्ट्रोफाइल जनरली न्यूट्रल स्पीसीज एंड कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब वो क्या करेगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। अब थर्ड की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां तो बोला था कि केवल इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल स्पीसीज होगी, यहां और बेटर बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने अभी पहले बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती है, एंड कैन फॉर्म ए बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म ए न्यूक्लियोफाइल। तो बेटर ऑप्शन जो जाएगा वो थर्ड जाएगा, सेकंड को हम यहाँ इग्नोर करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट को मैं ये नहीं बोल सकता गलत है, गलत नहीं है, वो भी सही है, बट अगर बेटर ऑप्शन की बात करेंगे तो थर्ड होगा। इलेक्ट्रोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये नहीं होगा, तो आंसर जो जाएगा उसका जाएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वापस से देखे बेसिसिटी का क्वेश्चन है, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बेसिक स्ट्रेंथ के पीछे भी मैंने एक दो क्वेश्चन आपको सोल्व कराए हैं, कंसेप्ट ये मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले मोस्ट बेसिक वो कंपाउंड होगा जो इजी वे में लोन पेयर डोनेट करेगा, और इजी वे में लोन पेयर वो डोनेट करेगा जिसके लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, जिसके लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं हो रहे हो। इसीलिए तो हमने बोला था कि एलिफेटिक एमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन, क्योंकि एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होते, एरोमेटिक एमीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं यहां तीन स्पीसीज मेरे को दी हुई है और तीनों को अगर मैं देखूं तो इसके लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो रहे हैं, इसके लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो रहे हैं, और इसके लोन पेयर भी डिलोकलाइज हो रहे हैं। तीनों ही स्पीसीज में हम ये देख रहे हैं कि लोन पेयर क्या हो रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं। मतलब मैं ये बोलूं कि ऑल स्पीसीज हैव डिलोकलाइज्ड लोन पेयर, सभी में लोन पेयर क्या हो रहे हैं,
डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। अब हम इफेक्ट देखेंगे कि जब ये कंडीशन सेम आ गई तो हम देखेंगे वही फॉर्मूला अपना कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई, फिर सिंपल, फिर माइनस आई, फिर माइनस एच और उसके बाद माइनस आर। इस फॉर्मूले से अगर हम चेक करें तो देखें ये सिंपल है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। ये NO2, NO2 का क्या लगेगा पेरा पोर्शन से माइनस आर, CH3 का पेरा पोर्शन से क्या लगेगा प्लस एच। तो मैं देखूंगा बेसिसिटी प्लस आर कहीं लग रहा है, कहीं नहीं लग रहा, तो उसके बाद प्लस एच लग रहा है। जी हाँ प्लस एच लग रहा है थर्ड में, तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होगा वो होगा थर्ड। उसके बाद क्या प्लस आई लग रहा है, नहीं लग रहा, सिंपल सिंपल है फर्स्ट, फिर माइनस आई नहीं लग रहा, माइनस एच नहीं लग रहा, माइनस आर लग रहा है, माइनस आर वाला सबसे कम बेसिक होगा तो सेकंड लिस्ट बेसिक होगा। आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड फर्स्ट सेकंड, और ऐसा ऑप्शन जो हमारे पास है वो थर्ड है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जीओसी के चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करें, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, कि कौन सा एसिडिटी का करेक्ट ऑर्डर है। तो देखें एसिडिटी सबसे पहले मैंने ये देखा कि आप सोर्स चेक करें, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड है वो एसिडिटी शो कहां से करने वाले हैं, सब में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। और जब भी एसिडिटी चेक करते हैं, जब सेम डोनर, जब सेम एटम से बॉन्डेड हो हाइड्रोजन, तो यहां जितने एग्जाम्पल है उनमें मैंने बोला कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटना है, हाइड्रोजन सेम एटम कार्बन से बॉन्डेड है, तो इस कंडीशन में हम एसिडिटी कैसे चेक करते हैं। इस कंडीशन में हम एसिडिटी चेक करते हैं कि एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड बेस इंक्रीज एसिडिटी ऑफ कॉन्जुकेटेड एसिड इंक्रीज। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे कॉन्जुकेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसके कॉन्जुकेटेड एसिड की एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आपके पास जो स्पीसीज दी हुई है, एक तो दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच टू एच, ये वाली स्पीसीज दी हुई है। एक स्पीसीज आपको दी हुई है, वो दी हुई है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, एक स्पीसीज दी हुई है वो दी हुई है सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और एक स्पीसीज आपको दी हुई है वो दी हुई है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये एच, ये वाली स्पीसीज आपको दी हुई है। तो अगर मैं इसका कॉन्जुकेटेड एसिड बनाऊंगा, बेस बनाऊंगा, तो एच प्लस यहां से गया, इसका कॉन्जुकेटेड बेस क्या बना सी एच थ्री सी एच टू माइनस। ओके, अगर इसका कॉन्जुकेटेड बेस बनेगा तो ये बनेगा सेकंड का सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, ये माइनस, यहां से एच गया तो यहां से बना सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड और सी माइनस, यहां से गया तो यहां से बना एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस। दीज आर कॉन्जुकेटेड बेस। अब जिसका कॉन्जुकेटेड बेस जितना ज्यादा स्टेबल है ना, वो उतना ही स्ट्रोंग एसिड था, वो उतनी ही जल्दी H+ रिलीज करेगा। तो अगर बात करें तो यहां पे हम देख रहे हैं कि ये जो है यहां पे, यहां बात करें तो ये किसमें है sp3 में, यहां बात करें ये किसमें है sp2 में, ये भी किसमें है sp में, और ये भी किसमें है sp में। और हम ये बोलते हैं कि s परसेंट करेक्टर अगर बढ़ता है, s परसेंट करेक्टर s परसेंट अगर इंक्रीज होते हैं तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है इंक्रीज होता है, माइनस आई इफेक्ट क्या होता है इंक्रीज होता है। और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है, हम ये भी बोलते हैं कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो कार्ब एनाइन की, माइनस आई इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखें सबसे ज्यादा एस परसेंट करेक्टर यहां पे है इन दोनों में। अब इसमें इस सी एस थ्री का क्या लगेगा प्लस आई लगेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है वो फोर्थ,
इनको नंबर देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सी है? फोर्थ। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? थर्ड। उसके बाद माइनस आई, यहाँ ज़्यादा लगेगा, सेकेंड, और उसके बाद फर्स्ट। ये कॉन्जुकेटेड बेस की स्टेबिलिटी है, और जो कॉन्जुकेटेड बेस की स्टेबिलिटी होगी वो ही एसिडिटी ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये वाला होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट 11th क्लास के पार्ट को हमने डिस्कस किया, और 11th क्लास के पार्ट में मैंने आपसे तीन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस कर चुका हूं जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। तीन टॉपिक कौन कौन से डिस्कस हमने कर लिए हैं? नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी। और इनमें कॉमन बात ये निकल के आई है कि नोमेनक्लेचर से मोस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का नेमिंग पूछा जा रहा है। जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म में बेसिकली जो सबसे ज्यादा जो आइसोमेरिज्म पूछी जा रही है वो टोटोमेरिज्म पूछी जा रही है, उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पूछा जा रहा है, और कुछ टर्म्स स्टीरियो की भी यूज में ले रहा है। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमने बात की थी वो था जीओसी का। तो जीओसी में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं एसिडिटी और बेसिसिटी स्ट्रेंथ पे, और एसिडिटी और बेसिसिटी स्ट्रेंथ को आप ढंग से अगर करोगे तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है और आप इजी वे में कर सकते हो। अब हम जो नेक्स्ट जो सीक्वेंस में बात करेंगे वो बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। थैंक यू।